नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गायत्री और आज स्क्रीन पर है विनायक और उसके पापा। आज रक्षाबंधन है तो इसीलिए सबको रक्षाबंधन की हार्दिक अभिनंदन। आज सब लोग रक्षाबंधन जरूर मनाए होंगे, लेकिन आज हम कुछ अनोखे रक्षाबंधन देखने वाले हैं। ये देखिए, ये राखी गांव से आई है जो कि दोनों के बहन ने भेजे हैं। आज हम देखेंगे कि ये लोग कैसे रक्षाबंधन को मना रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर राखी को खोल रहे हैं। विनायक बोल रहे हैं कि मुझे काटना है, लेकिन उसके पापा बोल रहे हैं नहीं, मुझे दे दो, कहीं चोट लग जाएगा। लेकिन विनायक बहुत खुश है, बोले नहीं मुझे ही काटना है। तो फाइनली उसके पापा ने पकड़े और विनायक उसको काट रहे हैं और राखी को भी खोलेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को ना इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। लेकिन विनायक आज बहुत खुश है, वो खुद देखो कैसे काट रहे हैं। ये है दो राखी, एक विनायक के लिए और उनके पापा के लिए। ये देखिए आप लोग, ये विनायक के हैं जो वो पहले ले गए, और ये उनके पापा के हैं। विनायक के पापा अभी राखी निकाल रहे हैं। विनायक बहुत ही एक्साइटेड है, बोल रहे हैं कि मुझे जल्दी दे दो, जल्दी जल्दी बांध दो मेरे हाथ में। ये देखो विनायक अभी हाथ दिखा रहे हैं, बोले कौन सा हाथ में पहनना है, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, वो मुझे पूछ रहे हैं। तो बोले लेफ्ट हैंड में पहनना है, मैं बोले नहीं राइट हैंड में। तो उसके पापा राइट हैंड में उसको बांध दे रहे हैं राखी। विनायक की एक सिस्टर है जो कि गाँव में है, और वो विनायक के चाचा की बेटी है, वो भी बहुत छोटी है, विनायक से छोटी है। इस साल विनायक पहली बार दिल्ली में रक्षाबंधन मना रहे हैं, क्योंकि पिछले साल वो गांव में थे और उसकी छोटी सिस्टर उनको बांध दी थी राखी। विनायक अपनी बहन को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं, कभी कभी दिल्ली में भी बहुत मिस करते हैं, इसलिए हम उनको वीडियो कॉल पर बात करवा देते हैं। ये है दूसरा राखी जो विनायक के पापा के लिए हैं, उनके सिस्टर ने भेजे हैं। विनायक बोल रहे हैं आपके लिए भी राखी है। विनायक बोल रहे हैं मेरी राखी तो बहुत सुंदर है। अभी विनायक अपने पापा को राखी बांध रहे हैं, ये देखो अभी बांध रहे हैं, लेकिन वो छोटा है ना, वो थोड़ा अच्छे से नहीं बांध पा रहे हैं। ये देखो ऐसे ही गांठ लगा दिए विनायक, और वो ढीला बांध रहे हैं विनायक ने। तो उनके पापा बोल रहे हैं चलो दोबारा बांधो, दोबारा बांधो, अब ढीला हो गया है, तो फिर वो खोल के दोबारा बांध रहे हैं। विनायक टाइट करके बांधने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ यहाँ से पकड़ो, तो विनायक के पापा इधर घुमा रहे हैं, अकेले अकेले बांधने की कोशिश कर रहे हैं। विनायक बोले रुको मैं बांध देता हूँ, पापा दिखाओ आप मुझे। तो फिर वो दोबारा ला के बांध रहे हैं, फिर उनके पापा अपने आप बांधने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको यहाँ थोड़ी हेल्प कर रही हूँ। देखो विनायक के पापा अभी कैसे राखी बांधेंगे, ये देखो अकेले अकेले बांधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विनायक तो ढीला बांध दिए थे और वो अभी टाइट करके खुद बांधने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक तरफ की धागा पकड़ी, फाइनली जो राखी गांव से आई थी
उस राखी को पापा और बेटे ने एक दूसरे को बांध के रक्षाबंधन मना लिए हैं और ये अनोखा रक्षाबंधन है। यहाँ पर मेरे कैमरा थोड़ा उल्टा हो गया है तो सॉरी फॉर दैट, थोड़ा एडजस्ट करके देख लेना आप लोग। विनायक के पापा विनायक को कलाकंद खिलाए, अभी विनायक भी अपने पापा को खिला रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाए, राखी बांध ली। ये हो गया हमारा अनोखा रक्षाबंधन, जहाँ कि एक पापा अपने बेटे को और एक बेटे अपने पापा को दोनों राखी बांध लिए, क्योंकि गांव से जो राखी आई थी वो एक दूसरे को बांध के मना लिए रक्षाबंधन। यहाँ पर विनायक मेरे लिए कलाकंद ला के मुझे खिलाए। फिर यहाँ पर घर में हम कुछ मटर की सब्जी और कुछ पीठा, जो कि डोसा टाइप का होता है, हमारे उड़ीसा में बनता है, वो पीठा बनाए थे और उसी को खाए हम लोग। अगेन हाकी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर अभी सब लोग खाएंगे जो भी सब्जी पीठा बनाए थे, तो विनायक के पापा भी विनायक को खिला दिए और अभी विनायक खिलाएंगे अपने पापा को। मैं भी थोड़ा विनायक को खिलाई यहाँ। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में जो बेल आइकन उस पर क्लिक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।